हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेकंड क्लास 7th, चैप्टर नंबर 1st. द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज ऑन इक्वलिटी. नाउ वी आर डूइंग पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर. देयर वी आर स्टडिंग अबाउट जूठन, अ बुक रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जूठन के बारे में, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई क्या है, किताब है, उनकी जीवनी है. The other children in my class were studying and I was sweeping. मेरी क्लास के दूसरे बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और मैं वहाँ सफाई कर रहा था. Headmaster was sitting in his room and watching me. जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे स्कूल के, वो अपने रूम में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे. I was not even allowed to get a drink of water. मुझे पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था, परमिशन नहीं दी गई थी. आई स्वैप द हॉल डे, मैं पूरा दिन सफाई करता रहा. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा द इंस्पेक्टर. कि मैं क्या क्या साफ करा, उन्होंने दरवाजे साफ करे, खिड़कियां साफ करी स्कूल के कमरों की, और जितने भी वहाँ टीचर थे और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, उनको देख रहे थे. ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. और अगले कई दिनों तक वो क्या करते रहे, स्कूल की और प्ले ग्राउंड की सफाई करते रहे. एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू द पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग. और ये सब कब खत्म हुआ, जब उनके पिताजी वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल की सफाई करते हुए देख लिया. He confronted the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand. वो स्कूल में गए, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और स्कूल से बाहर उसको लेके चले गए. He said loudly, उन्होंने बहुत ही जोर से कहा, for all of them to hear, ताकि वह सभी क्या कर सकें, सुन सकें. You are a teacher, so I am leaving now. क्योंकि आप लोग अध्यापक हैं इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ. But remember, this much master, he will studying right here in this school and not just him, but there will be more coming after him. ये बच्चा यहीं पढ़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा, और केवल यही नहीं, इसके जैसे और भी बच्चे क्या करेंगे, यहीं पढ़ेंगे इसके बाद भी. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इन कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. दूसरी कहानी क्या है, एक घटना पे आधारित है जिसके अंदर क्या हुआ, बड़े शहरों में से, जो भारत के बड़े शहर हैं उनमें से एक शहर के अंदर ऐसी घटना हुई थी और इस घटना ने बहुत से जगहों पे ऐसा स्थान लिया. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. ये कहानी किसके बारे में है, मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में है. हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि शहर में एक अपार्टमेंट किराए पे देख रहे थे, एक घर किराए में देख रहे थे. दे हैड टू मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम. उनके पास पैसे थे तो जो रेंट पे करना है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए किसके लिए, अपने लिए एक जगह ढूंढने के लिए. द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही नो अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट. डीलर ने उन्हें बताया कि वह कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स को जानता है जो कि क्या है, किराए के लिए खाली हैं. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच. उन्होंने पहला अपार्टमेंट देखा और उन्हें वह बहुत ही पसंद आया. एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और उन्होंने इसको लेने का निश्चय किया. हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द जताई टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस. तो जैसे ही उन लैंडलेडी को ये पता चला कि इनका सरनेम क्या है, उन्होंने एक बहाना बनाया कि वो इन्हें अपना मकान किराए पे नहीं दे सकती हैं क्योंकि उस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस. दोनों ही जने, अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे, वो दोनों ही ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो गए. बिकॉज
दे कुड स्मेल फिश बींग कुकड इन द नेबर्स हाउस। वो इस सुगंध को महसूस कर सकते थे कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, मछली पक रही है। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में भी उनको यही एक्सक्यूज दिया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम। फिर क्या हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देम मिस्टर एंड मिसेस कुमार, कि उन्हें अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए और अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहना चाहिए। द अंसारी वर रिलेंट टू डू दिस एंड डिसाइड टू लुक सम मोर। उन्होंने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और डिसाइड किया कि वो कुछ और घर देखेंगे। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ टू लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑफ रेंट। ऐसा लगभग एक महीने तक चलता रहा और तब तक चला जब तक कि एक लैंड लेडी ने उन्हें अपना घर देने की इच्छा जताई। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू, द रिलीजियन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेवन वी आर मेक अवर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफ्टन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपुल आर ट्रीटेड अनइक्वली। अब आप क्या समझ गए होंगे कि हम किस कास्ट से आते हैं, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा धर्म क्या है, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम मेल हैं या फीमेल हैं, इन सारी चीज़ों के हिसाब से हमें क्या होता है, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज को किस लिए ट्रीट किया गया अनइक्वल, इनके कास्ट के हिसाब से और उनके रिलीजियस के आधार पे। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वल्टेड। जैसे ही हम उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं किसी भी इंसान को, तो जो उसकी डिग्निटी होती है वो क्या होती है, आघात होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वार वल्टेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। ये दोनों की ही जो डिग्निटी थी वो क्यों आघात हुई, उनको आघात क्यों पहुंचा, क्योंकि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था वो क्या था, गलत था। बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। उनको पूरी क्लास में से पकड़, केवल उन्हीं को पकड़ना और उनसे पूरी स्कूल की सफाई कराना, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट उनकी जाति के आधार पे ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के जो क्लासमेट थे उन्होंने और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उनकी डिग्निटी को क्या करा, हर्ट किया बैडली, बुरी तरह से। एंड मेड हिम फील और उनको ये महसूस कराया एज इफ़ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्कूल के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या है, बराबर नहीं है, उनसे अलग है। बींग अ चाइल्ड एक बच्चे के आधार पे ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो इस सिचुएशन के आधार पे क्या कर सकते थे, बहुत ही कम रिएक्ट कर सकते थे। दैट ही वॉज इन, क्योंकि वो उसमें थे। इट वॉज हिज फादर, ये उनके पिताजी थे, हु ऑन सीइंग हिज सन स्विफ्ट, जिन्होंने अपने बच्चे को सफाई करते हुए देखा, फेल्ट एंग्री, गुस्सा हुए बाई दिस अनइक्वलिटी ट्रीटमेंट, इस अनइक्वलिटी के ट्रीटमेंट से, एंड कन्फर्ट द टीचर्स, और टीचर्स के साथ उन्होंने क्या करा, इसके बारे में उनको कहा। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट। अंसारीज की डिग्निटी भी क्या हुई, हर्ट हुई। वैन पर्सन रिफ्यूज टू, जब लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, अपना घर उन्हें किराए पे देने के लिए। हाउ एवर वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट, और जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया दैट दे चेंज देयर सरनेम, जिस तरह से उनको सजेस्ट किया गया कि आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए, इट वॉज देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस डिसीजन। ये क्या था, ये उनकी डिग्निटी थी और उनका सेल्फ रेस्पेक्ट था कि उन्होंने डिसीजन को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओम प्रकाश अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ये दोनों ही इस तरह से ट्रीट करना डिजर्व नहीं करते थे। दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स, वे भी दूसरों के समान ही डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को डिजर्व करते थे। इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। द इंडियन डेमोक्रेसी
रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो मानता है कि सभी लोग क्या हैं, समान हैं। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब है कि जो हर इंडिविजुअल है भारत के अंदर, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजियस ट्रिबस एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल, कि चाहे वो आदमी हो, औरत हो, किसी भी कास्ट धर्म या जाति से संपर्क रखता हो, वो पढ़ा लिखा हो या उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कितना कैसा भी हो, सभी क्या हैं, इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी क्रिएट टू एग्जिस्ट, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी इनइक्वलिटी है वो हमारे संविधान में एग्जिस्ट है, इट डजेंट, ऐसा नहीं है। बट एट लीस्ट, लेकिन फिर भी, इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, फिर भी हमारे देश में ऐसे अलग अलग तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है।